नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ आपका शिक्षा प्रभा में। तो बेटा, आज आप लोगों ने दिया है अपना प्री बोर्ड एग्ज़ाम ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लास 12th के बच्चों ने। तो अब आप लोग देख रहे होंगे अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। शिक्षा प्रभा की इस वीडियो में आप लोग अपना ज्योग्राफी मॉर्निंग शिफ्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022 जो कि हुआ है आज की डेट में, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला देखिए बेटा, ये एक ऑफिशियल आंसर की नहीं है, इसको सॉल्व किया है मैंने आप लोगों के लिए। हो सकता है एक या दो क्वेश्चन इसके अंदर गलत भी हो सकते हैं, डाउट में भी हो सकते हैं, तो उसको आप ऑफिशियल आंसर की से चेक कर लीजिएगा। ऑफिशियल आंसर की इवनिंग शिफ्ट के एग्ज़ाम के बाद आ जाएगी, जिसको आप शिक्षा प्रभा पर 6 बजे देख सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रवाश के अपकर्ष कारक से संबंधित है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का कारण क्या होता है? अगर हमें कहीं पे बहुत अच्छा निवास मिले, रोज़गार मिले, ठीक है, सुविधाएं अच्छी मिलें, तो माइग्रेट करते हैं लोग, है ना। तो अब यहाँ पर अगर चारों ऑप्शंस को हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर है ऑप्शन सी, प्लेजेंट क्लाइमेट, यानी कि अनुकूल जलवायु। हर कोई वहीं पर रहना पसंद करेगा जहाँ पर जलवायु क्लाइमेट अच्छा होगा, अनुकूल होगा। ठीक है, ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनने हेतु शक्ति प्राप्त करने की ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन है सशक्तिकरण, दूसरा समता, तीसरा उत्पादकता और चौथा निर्वहन। तो इसके अंदर एम्पावरमेंट ही शक्ति की ओर इंडिकेट करता है, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए पर, सेकेंड का फर्स्ट, सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, अभिकथन, जापान का कोबे ओसाका प्रदेश सघन बसा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही बात है, उपजाऊ मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती हैं। ये दोनों जो कथन हैं वो दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन इनका एक दूसरे से कोई भी तालमेल नहीं है। तो हम जाएंगे थर्ड का, डी, दोनों कथन सही हैं परंतु उचित व्याख्या नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उचित है? तो बेटा ये मेरे को नहीं समझ में आया है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा अपनी ऑफिशियल आंसर की में। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट है, विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। बिल्कुल भी महत्व नहीं है, क्योंकि हम कितना भी भोजन क्यों ना संग्रहित कर लें, वो पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए करेक्ट, मतलब पूरा नहीं पड़ेगा। सेकंड है, कई प्रकार की अच्छी किस्म व कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों ने संग्रह द्वारा प्राप्त उत्पादों का स्थान ले लिया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि अब हम लोग क्या है जाने लगे हैं किस पर, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स की तरफ। ठीक है, अगर उनकी क्वालिटी बेहतर है तो ये दोनों के दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की सही तौर पर व्याख्या भी करते हैं। तो हम जाएंगे 5th का ऑप्शन बी, दोनों कथन सही हैं और उचित कारण भी प्रस्तुत करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, दक्षिणी अमेरिका का पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये है पहले वाला ऑप्शन, ब्यूनॉस आयर्स और वाल्पाराइसो। तो पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन भूआबद्ध है? भूआबद्ध मतलब लैंडलॉक्ड किस जगह को बोलते हैं? वो जगह जिसके चारों तरफ भूमि होती है, पानी नहीं होता। जैसे दिल्ली एक जगह है, दिल्ली के चारों तरफ अगर हम देखेंगे तो पानी है, हर बॉर्डर दिल्ली के बॉर्डर बाउंड्री पर पानी नहीं है, सॉरी भूमि है। तो जहाँ पर चारों तरफ से भूमि होती है उसको भूआबद्ध बोल देते हैं, लैंडलॉक बोल देते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह है इसके अंदर? तो पारादीप, तुतिकोरिन, हल्दिया। पारादीप हमारा उड़ीसा में हो गया, तुतिकोरिन हमारा तमिलनाडु हो गया, विशाखापट्टनम जो है हमारा एक ऐसा पतन है, यानी कि एक ऐसी ऐसा भू आबद्ध पतन है, लैंडलॉक है, जिसके चारों तरफ
भूमि है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोट्टाबुरम और कोल्लम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा युग्म इसमें से गलत है? तो मध्य प्रदेश और बालाघाट। बालाघाट मैगजीन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। उड़ीसा का मैगजीन क्षेत्र है कालाहांडी, करेक्ट है। महाराष्ट्र में भंडारा भी एक मैगजीन क्षेत्र है, लेकिन छिंदवाड़ा जो जगह आप लोग पढ़ रहे हैं कर्नाटक में, तो वो छिंदवाड़ा पड़ती है कहाँ? मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा कर्नाटक की जगह नहीं है, है तो मैगजीन क्षेत्र ही लेकिन मध्य प्रदेश का। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसके अंदर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए मुख्य समुद्री पत्तनों की अवस्थिति की पहचान उत्तर से दक्षिण की ओर कीजिए। नॉर्थ से साउथ की तरफ हमको इसको कोरिलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम मैप पर देखेंगे तो सबसे पहले जाएगा हल्दिया, फिर कोलकाता, फिर पारादीप और फिर विशाखापट्टनम। इस तरह से ये पूरा का पूरा क्रम है, ठीक है। तो 10th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाकी को हमने देखना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी ऋतु की है? तो रबी ऋतु की जो फसल है वो है गेहूँ। कल पोल साइंस के पेपर में आया था ना, खरीफ फसल जो पूछी थी तो उसके अंदर मक्का था। तो मक्का, बाजरा, मूंगफली, ये सारी की सारी खरीफ फसलें हैं और रबी फसल जो है वो है गेहूं। ये इसका करेक्ट आंसर है। बेटा वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शिक्षा प्रवाह पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह से अपने बाकी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन के लिए, ऑफिशियल आंसर की मार्किंग स्कीम के लिए, मॉडल टेस्ट पेपर के लिए, CBSE सैम्पल पेपर के लिए, आपकी CBSE अपडेट्स के लिए, चाहे वो रिजल्ट के रिगार्डिंग हो या डेटशीट के रिगार्डिंग हो, प्रैक्टिकल वर्क हो, यानी कि यहाँ पर मिलेगा आपको अपनी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड एवरीथिंग। तो वीडियो बेटा अगर मेरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की मध्यकालीन नगरों की विशेषता है? तो धार्मिक केंद्र, 2000 वर्ष से अधिक पुराने मध्यकाल में विकसित, श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की कोई भी। व्यापारिक पत्तन के रूप में विकसित प्रशासनिक केंद्र या औद्योगिक केंद्र हो सकता है। थर्ड है अनुषंगी नगर, सांस्कृतिक केंद्र और व्यापारिक केंद्र, बिल्कुल संभावना है। डी, रजवाड़ों के रूप में विकसित कला नगर, इनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ था, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। तो पहला और चौथा तो है नहीं। देखो बेटा अब बी और सी में से एक होना चाहिए, तो क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ फिर भी मैं जाऊँगी ऑप्शन सी के साथ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है प्लीज़ आप ऑफिशियल आंसर की से मैच जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को गेहूं उत्पादन में प्रमुख से गुण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर पंजाब और चौथे नंबर पर हरियाणा। तो इस तरह से जो हमारा आंसर बैठता है वो बैठता है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में साझा संपत्ति संसाधन का विशेष महत्व है। करेक्ट है, महिलाओं के लिए साझा संपत्ति भूमि का विशेष महत्व है। ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि महिलाओं का जो काम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में वो स्पेशली यही सब होता है कि ईंधन जुटाना, है ना, खाना पकाने के लिए ईंधन जुटाना, जिसके लिए उनको साधन संपत्ति भूमि की ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन में हम जा सकते हैं ऑप्शन सी पर, जहाँ पर दोनों ही जो कथन हैं वो सही हैं और दोनों एक दूसरे की ठीक ठीक व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों को ये एक दिया गया है पैराग्राफ, जिसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं।
तो धारावी गंदी बस्ती की प्रमुख समस्या क्या है? धारावी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, धारावी मुंबई की एक बस्ती है, स्लम एरिया इसको वहाँ पर बोला जाता है। इसकी जो, जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, पढ़ा ही होगा आपने, तो इसकी जो मुख्य समस्या है वो वहाँ पर जो फैला हुआ कचरा है, वो असंग्रहित कचरा ही वहाँ की मेन समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से यह बस्ती किस औद्योगिक इकाई का अनुवर्ती रूप है? तो जब आपने इसको पढ़ा था तो इसके अंदर आया था विक्टोरिया, एक वर्ड था विक्टोरिया, लंदन के पूर्वी सिरे की औद्योगिक इकाई का उत्कृष्ट अनुवर्ती संस्करण जैसा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टोरिया लंदन। क्वेश्चन नंबर 17 में, निम्नलिखित में से धारावी के लोग किन कार्यों में सम्मिलित हैं? आपने पढ़ा ही होगा कि वो मिट्टी के बर्तन भी बना रहे हैं, शिल्प भी बना रहे हैं, मिट्टी से फर्नीचर बना रहे हैं, लकड़ी पर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जरी का काम कर रहे हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 18 से 23। तो इसके लिए भी आपको एक सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सबसे पहला है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्या उद्देश्य थे? तो इसका आपको उद्देश्य बताने हैं। तो बिल्कुल पैराग्राफ के स्टार्टिंग में इन्होंने दे रखा है, इसका उद्देश्य सूखा संभावित क्षेत्रों को रोजगार उपलब्ध कराना और सूखे के प्रभाव को कम करना, ये है इसका उद्देश्य। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सूखा संभावित क्षेत्र विकास की कार्यनीति हेतु किन तत्वों पर ध्यान दिया देना चाहिए? तो ये बिल्कुल लास्ट में ही है इस पैराग्राफ के, सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधे, मानव तथा पशु संख्या के बीच परिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापित पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए। थर्ड है, परिस्थितिकीय निम्नीकरण के क्या कारण हो सकते हैं, उनका उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर रहेगा बेटा, जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य हैं, जिससे क्या हो रहा है, पारिस्थितिकीय निम्नीकरण हो रहा है। ये हो जाएंगे आपके 18.1, 18.2, 18.3, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न मानचित्र का अध्ययन कीजिए व दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये मानचित्र है आप लोगों का, इसको आपको पहचानना था। तो ये जो हिंदी वाला है ना, इसके अंदर वर्ड थोड़े से उतना ज़्यादा से नहीं समझ आ रहे हैं, लेकिन ये जो इंग्लिश में दे रखा है यहाँ पर ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा है कि आइडेंटिफाई द वाटरवे एंड नाम इट, तो वाटरवे का नाम आपको बताना है। वाटरवे का नाम है बेटा राइन रिवर, ठीक है, जो जर्मनी से नीदरलैंड की तरफ जाती है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे राइन जलमार्ग। सेकंड है, थ्रो विच कंट्रीज दिस वाटरवे पास, तो कौन कौन सी कंट्री से ये वाटरवे होकर जाता है? तो स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। बेल्जियम के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जो है ये राइन रिवर जोड़ता है। थर्ड है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वाटरवे, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बतानी है। तो बेटा राइन जलमार्ग रॉटरडैम से लगभग 700 किलोमीटर तक नीदरलैंड में, इसके मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बासेल तक नॉग में है। समुद्र में जाने वाले जहाज जर्मनी में कोलोन तक पहुंच सकते हैं। अपने अद्वितीय स्थान और क्षेत्र में समृद्ध कोयला क्षेत्रों की उपस्थिति के कारण यह क्षेत्र आर्थिक रूप से समृद्ध है, ठीक है, यानी कि यह आर्थिक रूप से समृद्धि देता है कारण कोयला खानों की वजह से। इस समृद्धि के लिए जलमार्ग इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जल मार्गों में से एक है, और इसके फैलाव के साथ विशाल टन भार की आवाजाही की अनुमति भी देता है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है और हर साल 20,000 से अधिक समुद्री जहाज़ों और 2,00,000 अंतर्देशीय जहाज़ों के लिए कार्गो में विनिमय की सुविधा को प्रदान करता है, ठीक है, ये थी इसकी विशेषता।
अब इसके बाद हमारा ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर दिए हुए हैं, जिनको ये वाला क्वेश्चन नहीं करना था, तो उनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टू शीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय स्वेज कैनल। तो स्वेज कैनल से जो जोड़ता है तो वो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ये दो सी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सेकेंड है, इन विच कंट्री स्वेज कैनल इज़ लोकेटेड। तो इसका आंसर है मिस्र। 19.3, एक्सप्लेन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ स्वेज कैनल। तो इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझ सकते हैं कि यह दुनिया का एक सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग है। इसके इस रास्ते के जरिए पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच तेल, रिफाइंड फ्यूल आदि की आवाजाही होती है। इस रास्ते से दुनिया का 12% व्यापार होता है। ठीक है, व्यापार की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं। तो बेटा अब ये बिल्कुल आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप देखेंगे अपनी ऑफिशियल आंसर की में। अब हम लोग बढ़ते हैं, जो मैप आप लोगों के आए थे, पूछे गए थे आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 29 में ये एक मैप है जिसको कि मैंने सॉल्व नहीं किया है, इसको भी हम देखेंगे। वर्ल्ड मैप था ये, कुछ कुछ सॉल्व किया था, कुछ कुछ नहीं किया था, तो इसको भी हम जल्दी से ऑफिशियल आंसर की में देख लेंगे। लेकिन हमारा एक इंडिया वाला मैप है, यस यही वाला। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र में निम्न में से 5 भौगोलिक लक्षणों को उपयुक्त चिन्हों द्वारा चिन्हित कीजिए और उनके नाम बताइए। तो तमिलनाडु का 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला नगर, तो इसका आंसर है बेटा चेन्नई। ठीक है, चेन्नई अब हमको दिखाना है तमिलनाडु में। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में ये सबसे लास्ट में दिखाया गया है चेन्नई को। ठीक है, सेकंड जो आपसे पूछा गया है वो है वलारी लोह अयस्क खाने। तो ये कर्नाटक में है, ये वाला वलारी वाला। तो अब हमें कर्नाटक में दिखाना है सेकंड वाला, ये वाला जो एरिया है कर्नाटक, इसके अंदर ये दिखाया गया है वलारी। ठीक है, थर्ड है आप लोगों से जो पूछा गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड सी पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सा सी पोर्ट लोकेटेड है? तो उड़ीसा वाला जो है वो है पारादीप। पारादीप पोर्ट को हमें दिखा देना है, तो ये रहा पारादीप पोर्ट। ठीक है, उड़ीसा में। अब इसके बाद पूछा गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन गुजरात, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, गुजरात में है अहमदाबाद। तो ये हो गया आपका फोर्थ, गुजरात में जो हमको दिखाना था। मैं मैप छोटा करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, ये, और जो आपसे पांचवा पूछा गया था, शिवमोगा नहीं, द लीडिंग राइस प्रोड्यूसर स्टेट, तो पश्चिम बंगाल है, ये आपको पता ही था। ठीक है, तो ये रहा वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके बाद मैगजीन पूछा था शिवमोगा, शिवमोगा मैगजीन माइंस, तो ये भी कहाँ पर है? कर्नाटक में ही है। ठीक है, तो ये शिवमोगा मैगजीन माइन। ठीक, इसके बाद आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट इंडिया मैप से जो पूछा गया है वो है द नॉर्थन टर्मिनल स्टेशन ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो वो श्रीनगर है उसका आंसर। और श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की कैपिटल। तो ये हो गया श्रीनगर, ये हो गया आपका मैप। अब इसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, और वो क्या था, नेम ऑफ द मेगा सिटी लोकेटेड इन तमिलनाडु, तो दैट इज़ चेन्नई। इन विच स्टेट बेलारी आयरन वन माइंस आर लोकेटेड, तो ये हो गया कर्नाटक, है ना, बेलारी आयरन। थर्ड है नेम द सी पोर्ट लोकेटेड इन उड़ीसा, तो पारादीप पोर्ट, है ना।
नेम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुजरात, तो सरदार वल्लभ भाई सेम वही क्वेश्चंस हैं ऊपर वाले, बस हमको मैप में दिखाने थे और इनको लिखना है। तो विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूस इन, वो हो गया वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, इन विच स्टेट शिवमोगा मैगजीन माइंस आर लोकेटेड, तो कर्नाटक। नेम द नॉर्थन टर्मिनल स्टेशन ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो डेट इज श्रीनगर। तो ये था बेटा आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन ज्योग्राफी मॉर्निंग शिफ्ट। तो आशा करती हूँ बेटा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो मेरा आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों तक, मतलब इसको वायरल कर दो एक तरह से ना, अपने दोस्तों में फैला दो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशंस मिले इसके व्यूज़ को देख करके। तो ठीक है बेटा, मिलते हैं तुम्हारी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना, और उसके बाद हम या तो उसको सॉल्व करेंगे या ऑफिशियल आंसर के साथ मिलेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।